फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडेज वीडियो अबाउट टाइप्स ऑफ बाथिंग एसेंशियल्स विद देयर नेम्स। तो उम्मीद करती हूँ सब चंगे पले हो गए। तो आज की जो वीडियो है वो बाथिंग एसेंशियल्स पे है। तो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ एसेंशियल्स बाथिंग के। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है लूफा स्पॉन्ज। जो है वो आपकी बॉडी को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप अगर उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है वो। मैंने भी यूज़ किया हुआ है, यूजिंग में वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है। इसी तरह एक और चीज़ है एक्सफोलिएटिंग ग्लोव, वो भी इसी का काम करता है, लूफा का काम करता है। जैसे कि लूफा आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी बॉडी को सॉफ्ट करता है, इसी तरह एक्सफोलिएटिंग ग्लव भी आपकी बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करता है, आपकी बॉडी को सॉफ्ट करता है। और आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हाथ पे आप उसको पहन लें तो वो ईज़िली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो है स्पॉन्ज, एक्सफोलिएटिंग स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज जो एक्सफोलिएटिंग स्पॉन्ज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है उसी तरह वो भी सॉफ्ट होता है। तो वो भी यही काम करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। वह भी अच्छा है, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही एक ही तरह का काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है स्कैल्प मसाजिंग ब्रश। स्कैल्प मसाजिंग ब्रश जो है वो आपके स्कैल्प में मसाज करता है। जैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं शैम्पू जब आप करते हैं ना, तो शैम्पू के दौरान आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्लोली, तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराता है। अच्छा, स्कैल्प मसाजिंग ब्रश के जो फ़ायदे हैं ना स्कैल्प मसाजिंग ब्रश के, वो हैं जी आपकी हेयर को ग्रोथ करता है, वो आपके हेयर ग्रोथ करते हैं उससे। सेकेंड है जी ब्लड को सर्कुलेट करता है वो। थर्ड जो है वो है डैंड्रफ को रिमूव करता है। फोर्थ जो है रिड्यूस स्ट्रेस, आपकी जो स्ट्रेस है ना उसको रिड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे आप रात के टाइम इसको अगर यूज़ करें, आप बालों में ऑयलिंग करें और आपको हल्का हल्का मसाज करना हो तो आप उसके ज़रिए मसाज करें, तो वो बहुत आपको रिलैक्स फील कराता है। तो ये था जी स्कैल्प मसाजिंग ब्रश। थर्ड नंबर पर है जी शावर कैप का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें अपने बाल नहीं वॉश करने तो हम उसको अपने बालों को क्लोज़ करके उसको पहन सकते हैं। तो आप बाकी जिनसे बाल आपके कवर रहेंगे तो आप इजीली शावर ले सकते हैं। और इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो आपने कंडीशनर किया है वो आप अपने बालों को क्लोज़ करके तो आप अपनी कैप लगा लें, क्योंकि कई दफ़ा कैप लगा के हम अपने कंडीशनर को 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं, तो इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल है। नंबर फोर्थ पे जो है वो है बैक एंड फुट स्क्रब। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो स्क्रब है आप इसको कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, अपने वॉल के साथ, अपने फ्लोर के साथ। ईज़िली अपने बैक को भी स्क्रब कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू होता है बैक को स्क्रब करने का। आप बैक अपना नहीं स्क्रब कर सकते खुद ईज़िली, तो ये जिनसा है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसी तरह आप अपने फुट भी स्क्रब कर सकते हैं। नंबर फाइव पे जो है फुट फॉइलर जो है वो भी जैसे लूफा आप यूज़ करते हैं अपनी बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, इसी तरह फुट फॉइलर भी आपके जिनसे फुट की जो डेड स्किन है आप रिमूव कर सकते हैं। आप जैसे कि आपके फुट्स पे डेड स्किन हो जाती है, आप अपनी डेड स्किन को रिमूव करें फुट फॉइलर के साथ, और इस तरह आपके जो हील्स हैं ना वो आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती हैं। डोंट शेयर योर फुट फॉइलर विद एनीवन, क्योंकि अपनी सबकी हाइजीन होती है, तो आप अपना जो है ना अपनी हाइजीन का खुद ख्याल करें, तो अपना जो फॉइलर है किसी से भी शेयर मत करें। फेशियल क्लिनजिंग ब्रश, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है जिससे आप अपनी स्किन पे बहुत इजीली स्क्रबिंग कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। ये टू साइड है, देखिए एक साइड पे एक जो साइड है इसकी सिलिकॉन की है, दूसरी साइड जो है इसकी ब्रश है। तो आप जब अपना क्लिनजिंग करते हैं तो इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा इजीली आपके फेस पे क्लिनजिंग हो जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। नंबर एट पे जो है वो है बाथ रैप टॉवल।
का स्टफ बहुत ही सॉफ्ट होता है जो कि बहुत जल्दी अब्जॉर्व करता है अपने अंदर पानी को। तो जैसे ही हम नहा लेते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने बॉडी को फटाफट से कवर कर लें। तो ये बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल टॉवल बना हुआ है, तो आप इसको यूज़ करें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। माइक्रोफाइबर टॉवल का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि उसके शेप ऐसी बनी होती है कि आप अपने उसको आप इजीली आप अपने जो बाल हैं उसमें कवर कर सकते हैं, और उस पर एक बटन लगा होता है जिसमें आप उसको क्लोज़ कर दें। तो मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। ये इतना सॉफ्ट और यूज़फुल होता है कि इसमें पानी फटाफट जज्ब हो जाता है। पानी को आप हमें चाहिए होता है कि हम अपने बालों को फटाफट से ड्राई कर लें, फटाफट से जिनसे बाल खुश्क हो जाएँ। तो ये इसका स्टफ़ ऐसा है कि ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो ये थी बाथिंग एसेंशियल, जैसे कि ये बहुत ही यूनिक और क्यूट एसेंशियल्स थी। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए फिर और किसी तरह की वीडियो लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ बहुत यूज़फुल लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।